ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। कोविड-19 कोरोना आपदा लॉकडाउन के 45वें दिन में युद्ध बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया YBS महाकारुणिक बुद्ध विहार सिमवार मोड़ बिंदायका जयपुर राजस्थान के अध्यक्ष नरेंद्र बौद्ध के नेतृत्व में 23 मार्च 2020 से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद मजदूर असहाय लोगों को अब तक 45,000 पैकेट भोजन दान व 1605 राशन किट व जरूरतमंद परिवार को बिस्कुट दूध दान किया जा चुका है। नरेंद्र बौद्ध प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, गुजरात व महाराष्ट्र में फंसे मजदूरों जरूरतमंदों को भोजन दान कर मदद कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,00,000 रुपये दान कर मानव कल्याणकारी कार्य कर मानवतावादी धर्म निभाया है। यह सब देखकर महाराष्ट्र की स्पार्टन हेल्प सेंटर नासिक संस्था द्वारा संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिजीत श्यामराव भोसले जी द्वारा सेवारत्न पुरस्कार देकर हौसला अफजाई की है। युवा समाज सेवी नरेंद्र बौद्ध ने जरूरतमंद लोगों को भोजन दान करके देश में एक अच्छी मिसाल कायम की है। आज पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में हम सभी को मदद करनी चाहिए और आम जन को सरकार के बनाए नियम का पालन करना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने प्राइम न्यूज 24 को अवगत कराया कि जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक भोजन दान करते रहेंगे। प्राइम न्यूज 24 के लिए बच्चू सिंह बौद्ध की रिपोर्ट। 43 दिन हो गए, कुछ लोगों ने अभी तक मेरे पास जो आया डोनेशन, अच्छा डोनेशन के थ्रू 29,000 डोनेशन आया है। अच्छा अच्छा। और बाकी का जो मैंने मेरी शादी के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा था, अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो पैसा सारा इसी में भोजन दान में। क्या बात। अभी तक हम लोगों ने जरूरतमंद लोगों को 1610 राशन का किट दिया है। अच्छा। और 1610 लोगों को राशन किट दिया है और 300 लोगों का दूध का पैकेट और बिस्किट बच्चों को और 42,000 43,000 हमारे जो पैकेट है वो हो जाएंगे।